हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पूनम्स तड़का किचन में। आज हम बनाएंगे पकोड़े वाली कढ़ी। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है कढ़ी बनाने में, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी बनेगी, ना तो हमारी कढ़ी फटेगी और हमारे पकोड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब बटन दबा देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं डेली नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए अब हमारी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 250 ग्राम दही ली है, ये मैंने हींग का पानी डाला इसमें। इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच बेसन डाला है मैंने, ये छोटी चम्मच है ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। मैंने आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच मैंने डाला है नमक। और मैं इसे अच्छे से विस्कर की मदद से इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसे हमें अच्छे से फेंटना है, वरना हमारी कढ़ी जो है फटी फटी बन जाएगी। इसमें अब मैं पानी डालूँगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। हम इसका पतला सा घोल बना लेंगे। ये मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी। अब हम पकौड़े के लिए घोल बनाएंगे। ये मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी। ये मैंने हींग का पानी जो है वो बनाया था, इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें डाला है, 2 चम्मच मैंने कढ़ी वाले पेस्ट में डाला था। अब इसमें डाल दिया आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। और अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे अच्छे से फेंटना है ताकि हमारे पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये पतला है, मैं इसमें 1 चम्मच बेसन और डाल दूँगी और फिर उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी देखिए बिल्कुल सही पेस्ट बन गया हमारा। हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि हमारे पकोड़े बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी बने, सॉफ्ट सॉफ्ट बने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अब हमारे पकोड़े बनाएंगे। तेल लिया है मैंने, तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम अपने पकोड़े डाल देंगे। ये थोड़े जब एक साइड से सिक जाएंगे तो इनको पलट के हम इनको सेक लेंगे। ये देखिए हम इन्हें निकाल लेंगे। तेल थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं तेल निकाल के इसी में बनाऊंगी कढ़ी। मैंने डाल दिया जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, हरी मिर्च डाल दूंगी मैं, 3 से 4 मिर्ची थी ये। मैंने 2 लाल मिर्च डाल दी है साबुत। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये डाल दी मैंने प्याज, इसे हम अच्छे से भूनेंगे प्याज को। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो हम हमारा कढ़ी का जो हमने पेस्ट बनाया था हम उसको डाल देंगे। ये देखिए अब ये हमारी कढ़ी को हम लगातार चलाएंगे, वरना हमारी दही जो है वो फट जाएगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी में उबाल आ रहा है, इसको हमें 5 से 10 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम पकोड़े डालेंगे। ये मैंने पकोड़े डाल दिए, अब इसके बाद भी हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए अगर आपकी कढ़ी पतली हो जाती है तो आप उसमें 1 चम्मच बेसन घोल की कटोरी में वो डाल सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे तड़का। ये मैंने देसी घी लिया है, देसी घी का तड़का लगाएंगे तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। ये मैंने इसमें डाला लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। ये मैंने डाला थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च साबुत और हम इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें मैं लास्ट में डालूंगी लाल मिर्च, वरना वो जल जाती है। और इसको ऐसे मिक्स करके, ये देगी मिर्च है इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको मेरी कढ़ी के ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए ये हमने लगा दिया तड़का। अब इससे हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अगर आप मेरे तरीके से कढ़ी बनाते हैं तो आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिख भी दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें देख के बना सकते हैं। आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी और पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, उससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।